हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले टॉप 21 हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी हो सकती है, प्लीज स्किप ना करें। और मेरे चलो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो फ्री में अवेलेबल है और इसमें कई तरीके की टूल्स हैं, जैसे बायोसॉग, मेटास्प्लॉइट वगैरह वगैरह कई सारे टूल्स उसमें अवेलेबल हैं। और नंबर 22 पर है, 20 नंबर पर है ऑच स्ट्राइक। यह सिस्टम सिक्योरिटी विशेषज्ञों यानी कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए सही है। यह लिनक्स पर आधारित एथिकल हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 32 बिट और 64 बिट के लिए अवेलेबल है। इसे लाइव भी चलाया जा सकता है, वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर में इसे लाइव भी चलाया जा सकता है। और 90 नंबर पर है के कंप्यूटर सहायता प्राप्त जाँच पर्यावरण पर आधारित है। ये उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग वितरण एथिकल हैकर और डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए बनाया गया है। यह एक फ्रेंडली इंटरफेस के साथ पूर्ण फॉरेंसिक वातावरण प्रदान कराता है। 80 नंबर पर है फेडोरा सिक्योरिटी लेयर। यह ऑपरेटिंग सिस्टम स्वच्छ और तेजी से काम करने वाला डेस्कटॉप पर्यावरण और वातावरण बनाता है। इसमें कई सारे टूल्स प्री इंस्टॉल आते हैं, जैसे वायरसार, एस्कुल मिंजा, यर्सिनिया, मेड्यूसा जैसे सॉफ्टवेयर के साथ यह आता है। यह सिक्योरिटी की दृष्टि से अगर देखें, नजर से देखें तो यह उचित रास्ता है। यह डेवलपर्स के समुदाय द्वारा बनाए रखा गया है। एंड 17 नंबर पर है ड्रेकस लिनक्स। ड्रेकस लिनक्स हैकर्स की एक और पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह इंडोनेशिया में लिनक्स के आधार पर बनाई गई थी। ड्रेकस को तेज और मजबूत मतलब पावरफुल ओएस है जो सिक्योरिटी के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। यह सूचना यह इंफॉर्मेशन फॉरेंसिक मालवेयर विश्लेषण सहित पेन टेस्ट के सैकड़ों टूल के साथ संचालित है। इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भी सबसे अच्छे विकल्प हैं। और आप वीडियो को पास करके स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कितने सारे टूल्स आपको नजर आ रहे हैं। 60 नंबर पर मैट्रिक्स लिनक्स। यह डेबियन बेस्ड सिक्योरिटी एंड टेस्टिंग एंड हैकिंग के लिए बनाया गया उपकरण है। हालांकि सबसे उपयुक्त हैकर एक्सपर्ट हैकर्स के लिए किसी भी लिनक्स सिस्टम द्वारा यूज किया जा सकता है। मैट्रिक्स लिनक्स के लिए 300 से ज्यादा टूल अवेलेबल हैं। कई सिक्योरिटी रिसर्चर्स का कहना है कि यह काली के लिए बेहतर विकल्प है। और 15 नंबर पर है ब्लैक अर्थ लिनक्स। यह भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एथिकल हैकर्स और रिसर्चर और सिक्योरिटी रिसर्चर्स यूज करते हैं। इसमें 1400 से ज़्यादा टेस्टिंग टूल्स हैं। इसे ज़्यादातर हैकर्स ही यूज करते हैं, डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या फीचर है, वो आपको इसके शॉर्ट में धीरे धीरे आपको नजर आ जाएंगे। 40 नंबर पर है विकर्थन। यह एक और हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यह वायरलेस हैकिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें टोटली वायरलेस हैकिंग टूल्स अवेलेबल हैं। कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अब जब मैं इसे इंस्टॉल करूंगा तब आपको बताऊंगा क्या क्या टूल हैं इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, बाय। हेलो, 30 नंबर पर नूबिक्स एसटीडी। एसटीडी एक लिनक्स पर आधारित ओएस है जो हैकर्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह ओपन सोर्स नेटवर्क है। इसमें सिक्योरिटी से जुड़े सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों टूल्स हैं। एसटीडी ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ सिक्योर और एक्सपर्ट यानी पेशेवर सिक्योरिटी कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर पर साइबरहॉक लिनक्स। यह ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू पर आधारित है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जिट्रेला नॉलेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। यह डिस्ट्रो नेटवर्क सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक में यूज किया जाता है। इसमें मोबाइल वाईफाई सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए कई सारे टूल्स हैं। इसमें 700 से भी ज़्यादा टूल्स हैं और 300 से भी ज़्यादा मेनू टूल्स मोबाइल सिक्योरिटी मालवेयर को पहचानने के लिए टूल्स हैं। 11 नंबर है ब्लैक वन टू डेस्कटॉप एनवायरमेंटल है जो विशेष रूप से सिक्योरिटी स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए बनाया गया था। यह वर्तमान में 1.10.10 का उपयोग कर बनाया जा रहा है।
नंबर 10 पर है पेंटू। यह लाइव स्टीरियो यूएसबी से पेन टेस्टिंग और सिक्योरिटी आकलन के लिए बनाया गया है। जेन 2 लिनक्स के आधार पर पेंटू को बनाया गया है। 32 बिट एंड 64 बिट के लिए अवेलेबल है। पेंटू कर्नल क्रॉस सिक्योरिटी और शांति सख्त टूल्स उपलब्ध कराता है। इसमें कुछ पावरफुल टूल्स भी शामिल है। नंबर 9 पर नोड जीरो, यह ओपन सोर्स नेटवर्क है। लिनक्स पर आधारित एथिकल हैकिंग 1.2 से बनाया गया यह परीक्षणों में यूज किया जाता है। इसे ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा बूट मेनू विभिन्न विकल्प हैं। इसमें 300 से ज़्यादा टूल्स आपको मिल जाएंगे। नंबर 8 पर है बग ट्रैक सेकंड, यह GNU लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फोकस डिजिटल फॉरेंसिक प्रवेश परीक्षण मालवेयर प्रयोगशालाओं और GSMN फॉरेंसिक पर केंद्रित है। इसमें 500 से भी ज़्यादा हैकिंग टूल्स और 11 भाषाओं में यह उपलब्ध है। आपको इसमें आपके सिस्टम के कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें 1 GB की हार्ड डिस्क और 1 GB का प्रोसेसर है और 512 MB की रैम हो। ये सॉफ्टवेयर मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। यह लिनक्स बेस्ड OS है। यह लाइव CD के माध्यम से चलाया जा सकता है। यह वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए ओपन सोर्स सेट देता है। इसका उपयोग वर्चुअल मशीन में होस्टिंग सर्वर पर एक नेटवर्क सिक्योरिटी निगरानी एडिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें 512 सिक्योरिटी टूल्स हैं जो insecure.org में उपलब्ध टूल किट में से हैं। नंबर 6 पर है समराइज वेब टेस्टिंग फ्रेमवर्क, यह लाइव लिनक्स वातावरण इस एक वेब सॉलम के रूप में कार्य करता है। CD और ओपन सोर्स नेटवर्क है। इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इससे अपनी साइट को हमले से बचाने में प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी वेबसाइट के ओनर हैं तो आपको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। नंबर 5 पर डेफ्ट लिनक्स, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। यह इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक टूल किट के लिए है। यह लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उबंटू पर आधारित है। यह इसे हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। इसे सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट और पुलिस यूज करते हैं। नंबर 4 पर है लाइव हैकिंग OS, यह एक लिनक्स वितरण है। यह परीक्षणों और काउंटरमेजर्स के उपकरणों के साथ आता है। इसमें ग्राफिक्स इंटरफेस है जो कमांड लाइन ही है। इसमें हार्डवेयर की कम से कम आवश्यकता होती है। नंबर 3 पर है पायरेट सिक्योरिटी OS, यह लिनक्स डेबियन पर आधारित है। इसमें वो सारे टूल्स जिनकी हमें ज़रूरत होती है वो इनबिल्ट आते हैं। इसे FusionBox.net ने विकसित किया है। ये लिनक्स की तरह ही। नंबर 2 पर है Backbox, यह Ubuntu पर आधारित लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यह सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह सारे टूल्स किट के साथ आता है। जिस टूल किट की ज़रूरत होगी वह आपके पास पहले से ही होगा। नहीं होगा तो कमांड लगाइए, इंस्टॉल कीजिएगा। एंड नंबर 1 पर है Kali Linux, यह ऑफेंसिव सिक्योरिटी लिमिटेड द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। इसमें हैकिंग टूल्स 600 से ज़्यादा हैं और वायरलेस हैकिंग अटैक्स की लिमिट मिनिमम 1400 है। मौजूदा समय में यह VMware जैसे सॉफ्टवेयर में भी लाइव चलता है और इसे लाइव इंस्टॉल भी किया जा सकता है। अब मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। इसके बारे में हर किसी को पता है और मोस्टली थिंक इसमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके गायब होंगे, तो नाराज ना हो। कमेंट करें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स गायब हैं। हो सकता है मैंने जानबूझ के गायब किए हों, क्योंकि कमेंट नहीं आ रहे मेरे पास। ना लाइक करो, ना कुछ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।